Assalamu alaikum, audience. I am Ataullah. Today we are going to discuss mole. What is mole? यहाँ पर मैं चार चीजें लिखूंगा. यहाँ पर चार चीजें मैंने लिखी. कौन कौन सी चीजें? एटम, मॉलिक्यूल, आयन और फार्मूला यूनिट. एटम की मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक मास क्या है? इसका एटॉमिक मास है 16 AMU. एक एग्जांपल मैं मॉलिक्यूल की उठाऊंगा, जैसे कि हमारे पास है इसका H2O, एक मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 18 AMU. इसी तरह एक आयन का एग्जांपल मैं उठाता हूँ, यहाँ पर हमारे पास सोडियम आयन है, इसका जो आयोनिक मास है वो है 23 AMU. और लास्ट में हमारे पास है फार्मूला यूनिट. फार्मूला यूनिट की अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, इसका जो फार्मूला यूनिट आएगा, सॉरी फार्मूला मास आएगा, वो आएगा 58 AMU. तो यहाँ पर मैंने चार चीजें लिखी. कौन सी चार चीजें? एटम, मॉलिक्यूल, आयन और फार्मूला यूनिट. फिर क्या किया मैंने, उसके बाद हर एक की एक एक एग्जांपल यहाँ पर लिखी. उसके बाद एटम की एग्जांपल ऑक्सीजन है, इसका जो एटॉमिक मास है वो है 16. उसके बाद H2O है, मॉलिक्यूल है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 18. आयन है, सोडियम की एग्जांपल मैंने उठाई यहाँ पर, सोडियम आयन की, ये इसका जो आयोनिक मास है वो है 23. और इसी तरह फार्मूला यूनिट का एग्जांपल मैंने यहाँ पर सोडियम क्लोराइड उठाया, उसका जो फार्मूला मास है वो क्या है? 58. अब ये जो 16 है ये क्या है? ये है एटॉमिक मास. क्यों? क्योंकि ये मैंने ऑक्सीजन एटम का उठाया है. ये क्या है? एटॉमिक मास. नंबर दो, H2O 18, मॉलिक्यूल है H2O, तो ये जो 18 आया है ये क्या है? ये इसका आया है मॉलिक्यूलर मास. इसी तरह सोडियम आयन है, इसका जो आयोनिक मास है वो क्या है? 23. तो ये 23 क्या आ रहा है हमारे पास? ये है इसका आयोनिक मास. और लास्ट में हमारे पास जो फार्मूला यूनिट है सोडियम क्लोराइड, इसका जो फार्मूला मास है, इसका जो फार्मूला मास है वो क्या आ रहा है? 58. अब सिंपली अगर मैं किसी एटम का एटॉमिक मास, किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, किसी आयन का आयोनिक मास और किसी फार्मूला यूनिट का अगर फार्मूला मास, मैं सबको किस चीज से रिप्रेजेंट करूं? अगर मैं इन सबको रिप्रेजेंट करूं किस चीज से? ग्राम से. किस चीज से मैं रिप्रेजेंट करूं? ग्राम से. फिर इसको क्या कहते हैं? फिर इसको मोल कहा जाता है. क्या कहा जाता है? मोल कहा जाता है. एक दफा फिर, किसी एटम का एटॉमिक मास, किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, किसी आयन का आयोनिक मास या किसी फार्मूला यूनिट का फार्मूला मास, अगर मैं इन सब को ग्राम से रिप्रेजेंट करूं फिर इसको क्या कहते हैं? फिर इसको मोल कहा जाता है. यहां पर हम इस चीज को कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे. जैसे कि यहां पर मैंने 16 निकाला था, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है. अब अगर 16 AMU के बजाय मैं 16 ग्राम लिखूं, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या है? ये हमारे पास मोल के बराबर आ गया. किस चीज के बराबर आ गया? मोल के बराबर. 16 AMU के बजाय अगर मैं 16 ग्राम लिखूं तो ये किस चीज के बराबर आया? ये मोल के बराबर. कितने मोल? 1 मोल. ये खैर बाद में डिस्कस करेंगे. उसके बाद मॉलिक्यूलर मास H2O है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 18.
अब 18 AMU के बजाय अगर मैं 18 को ग्राम से रिप्रेजेंट करूं, 18 ग्राम्स ऑफ H2O, तो ये क्या है, ये मोल के बराबर है। 18 ग्राम्स ऑफ H2O ये क्या है, ये मोल के बराबर है, ठीक है। तीसरा एग्जांपल मैंने उठाया था आयन का, 23 AMU के बजाय अगर मैं 23 ग्राम ऑफ सोडियम आयन उठाऊं, अगर मैं 23 ग्राम ऑफ सोडियम आयन उठाऊं तो ये क्या है, ये मोल के बराबर है। कितने मोल, 1 मोल। इसके बाद फार्मोलाइजर का एग्जांपल मैंने सोडियम क्लोराइड उठाया था, सोडियम क्लोराइड 58 AMU के बजाय अगर मैं 58 ग्राम लूँ, अगर मैं 58 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड लूँ तो ये 58 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड किस चीज़ के बराबर है, ये मोल के बराबर है। इसी तरह कुछ और एग्जांपल मैं यहाँ से उठाऊंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 1, अगर मैं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लूं तो ये 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन किस चीज के इक्वल आएगा, ये मोल के इक्वल आएगा। कितने मोल, 1 मोल के इक्वल आएगा। इसी तरह मॉलिक्यूल में एक और एग्जांपल मैं उठाऊंगा यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास है O2, ये मॉलिक्यूल है O2, इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा क्या आएगा, ये आएगा 32। कितने आएगा, 32। अगर मैं 32 ग्राम ऑक्सीजन लूं तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन किस चीज के बराबर आएगा, 1 मोल के बराबर आएगा। इसी तरह एक और आयन की एग्जांपल मैं यहां पर उठाता हूं, जैसे कि हमारे पास है फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का जो आयनिक मास आएगा वो कितना आएगा, 24। अगर मैं 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम आयन लू तो ये कितने के बराबर आएगा, ये 1 मोल के बराबर आएगा। फार्मोलाइजर के एक और एग्जांपल में अगर उठाऊं यहां पर, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, 40, और क्लोरीन का जो है वो है ऑलमोस्ट 37। 37 प्लस 37 इज इक्वल टू, ये हो गया 60, ये 74 प्लस 40 इज इक्वल टू 74 प्लस 40 इज इक्वल टू 114। अगर मैं 114 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड लू तो ये किस चीज के बराबर आएगा, ये 1 मोल के बराबर आएगा। अब इसके बाद हम मोल कैलकुलेशंस करेंगे, मोल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। फॉर एग्जांपल कभी कभार कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं जिसमें से किसी एटम या किसी मॉलिक्यूल या किसी आयन या किसी फार्मूला यूनिट का मास दिया होता है, और आपसे ये पूछा जाता है उसमें कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कीजिए। या कभी कभार न्यूमेरिकल ऐसा भी आता है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स तो दिए होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स से आपने उसका मास कैलकुलेट करना होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे, यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल्स हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मोल के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। एक और चीज यहां पर, मोल को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला आया वो क्या आया, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है मोल कैलकुलेशन के लिए। यहाँ से हम 2-3 न्यूमेरिकल्स को समझने की कोशिश करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल मैं इधर लिखता हूँ, एक क्वेश्चन मैं इधर लिखता हूँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, पूछ क्या रहा है, दिया क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है हमें, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर हम 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लें
तो हमें ये बताया कि ये 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने मोल के बराबर है, कितने मोल के बराबर है। कभी कभार ये क्वेश्चन इस तरह भी दिया जाता है कि कैलकुलेट गिवन मास ऑफ, कैलकुलेट गिवन मास ऑफ 3 moles of सोडियम आयन। पहले में क्या पूछा जा रहा है, पहले में ये चीज पूछी जा रही है कि अगर हमें किसी चीज का मास गिवन हो उसे हम मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और दूसरे में हमें मोल्स गिवन है उससे हमें गिवन मास कैलकुलेट करना है कैसे। बहुत ही सिंपल फार्मूला है। पहले क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं, यहां पर कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले तो आप लोग ये चीज समझ लें कि ये O2 हमारे पास क्या है, एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है या फार्मूला यूनिट है। अब अगर O2 हमारे पास ऑलरेडी हमें मालूम है, ऑलरेडी हमें पता है कि ये है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर ये मॉलिक्यूल है तो इस O2 का मॉलिक्यूलर मास भी हमें पता होना चाहिए। O2 का जो मॉलिक्यूलर मास है, या इसको हम सिंपली मोलर मास भी कहते हैं, वो क्या है, वो है 16 × 32। O2 का जो मोलर मास है वो क्या है, 32। तो फार्मूले में अगर मैं यहां पर पुट करूं n नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, ये गिवन मास हमें गिवन है, यहां पर कितना है 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन हमें गिवन है न्यूमेरिकल में। मैं यहां पर गिवन मास के बजाय 32 ग्राम्स लिखूंगा, ठीक है। उसके नीचे क्या है, मोलर मास। अब यहां पर एक चीज समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, अगर यहां पर न्यूमेरिकल में हमें कोई आयन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि मैंने सोडियम आयन की आप लोगों को एग्जांपल कराई थी, अगर यहां पर कोई आयन दिया हुआ है तो यहां पर इस फार्मूले में हम मोलर मास के बजाय हम क्या लिखेंगे, आयोनिक मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय आयोनिक मास। अगर कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो हम यहां पर लिखेंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर यहां पर कोई फार्मूला यूनिट दिया हुआ है जैसे कि सोडियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल, तो फिर यहां पर न्यूमेरिकल में हम क्या लिखेंगे, मोलर मास के बजाय फार्मूला मास लिखेंगे। अगर यहां पर कोई आयन दिया हुआ है तो यहां पर हम फिर आयोनिक मास लिखेंगे। यहां पर हमें अभी मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो इसलिए हम यहां पर मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन हमें ऑलरेडी पता है कि वो क्या है, 32, क्या है 32। तो 32 विल कैंसल ईच अदर, द नेट रिजल्ट मीन आंसर इज 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन दिया जाए, अगर हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन दिया जाए और हमसे ये पूछा जाए कि ये 32 ग्राम ऑक्सीजन कितने मोल के बराबर आएगा, तो ये 1 मोल के बराबर आएगा। कितने मोल के बराबर आएगा, 1 मोल के बराबर आएगा, ठीक है। इसी तरह का एक और एग्जांपल मैं लिखूंगा। अब यहां पर मैं एक फार्मूला यूनिट उठाऊंगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन सोडियम क्लोराइड। अब सबसे पहले तो आप इसको देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड क्या है, आयन है, नहीं, एटम है, नहीं, मॉलिक्यूल है, नहीं, क्या है ये, फार्मूला यूनिट है, क्या है ये, फार्मूला यूनिट है, फार्मूला यूनिट। अब फार्मूला यूनिट के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि फार्मूले में नीचे क्या आएगा, फार्मूले में नीचे आएगा फार्मूला मास। तो सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला मास है वो क्या है, वो है 58, क्या है 58 इसका फार्मूला मास है, ठीक है। अब n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय फार्मूला मास, n इज इक्वल टू गिवन मास तो हमें दिया हुआ है 116, और सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला मास है वो क्या है 58। द नेट रिजल्ट विल कम
टू, कितना आएगा टू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 116 ग्राम सोडियम क्लोराइड उठाए, 116 ग्राम सोडियम क्लोराइड अगर हम उठाए तो ये 116 ग्राम सोडियम क्लोराइड कितने मोल्स के बराबर आएगा, ये 2 मोल्स के बराबर आएगा। ठीक है, अब इस फार्मूले का जो दूसरा रुख है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें गिवन मास दिया होता है, हमसे मोल्स पूछे जाते हैं, और उसका दूसरा जो रुख था कि हमें कभी कभार मोल्स गिवन होते हैं, हमसे ये पूछा जाता है कि भाई इसका जो गिवन मास है वो कितना आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कैलकुलेट मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब इस क्वेश्चन में हमें ऑक्सीजन के मोल्स गिवन है 3 मोल्स, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हम ले तो ये 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का जो मास आएगा वो कितना आएगा। बहुत ही सिंपल फार्मूला, n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय O2 मॉलिक्यूल है, तो यहां पर मैं मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास लिखूंगा। ठीक है, अब n फार्मूले में हमें गिवन है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये हमें गिवन है। मोलर मास ऑफ O2 हमें पता है, हमें ऑलरेडी पता है कि O2 का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो कितना है, वो हमें ऑलरेडी पता है कि वो क्या है, 32 है। क्या है, 32। तो हमसे क्या, किस चीज की कमी है इस न्यूमेरिकल में, गिवन मास की कमी है, ये मास हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो मैं फार्मूले को थोड़ा रीअरेंज करता हूँ यहाँ पर, कैसे, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर डिवाइड में है इक्वेशन साइड के ही साइड से, पर जब आएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास। ठीक है, यहाँ पर मैंने फार्मूले को सिर्फ रीअरेंज किया, हमसे एक चीज यहाँ पर मांगी गई है वो है गिवन मास, तो इस गिवन मास को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O हमें ऑलरेडी पता है, तो इसको मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पर जब रखूंगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो m मोल मल्टीप्लाई मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं हम, m की वैल्यू क्या है, 3 मोल्स हमें ऑलरेडी गिवन है, मॉलिक्यूलर मास इसका क्या है, 32, तो गिवन मास कितने के बराबर आया, 96। इसका क्या मतलब हुआ कि 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हम ले तो इस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का जो मास आएगा वो आएगा 96 ग्राम। थैंक यू नाज़रीन।